रतनदेव सिंह जी, माननीय मंत्री जल शक्ति, नमामि गंगे, ग्राम्य जल पूर्ति, सिंचाई, लघु सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पौधा देकर अभिनंदन वंदन आदि सत्कार करते हुए माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कपिल देव अग्रवाल जी, अनुरोध करते हुए श्रीमती वंदना वर्मा माननीय सदस्य विधान परिषद, मंचा सिंह माननीय अरुण कुमार सिंह माननीय मंत्री वन पर्यावरण जल उद्यान के अपने कार्यक्रमों से ये थी अभिनंदन वंदन स्वागत जो की आतिथ्य सत्कार के साथ और आइए शब्दों के माध्यम से अनुरोध करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पशुपालन मत्स्य पालन डॉक्टर संजीव कुमार बलियान जी अपने श्री कपिल देव अग्रवाल जी। बोले भारत माता की, गंगे मैया की, आदरणीय नरेंद्र मोदी की, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जय। आप सबका बहुत अभिनंदन, आप सबके संकल्प से, आप सबके आशीर्वाद से और मां गंगा की कृपा से हम सबके बीच में वर्तमान भगीरथ के रूप में सुकीर्त के अंदर और वो सुकीर्त श्रीमद भागवत की उद्गम स्थली है। सुखदेव के राजा परीक्षित को 5100 वर्ष पूर्व भागवत कथा सुनाई और उसी कथा का परंपरा को संचालन करते हुए देश भर के सभी संत अपने जीवन सुखदेव कथा करते कथा करते हैं। वो सुकीर्त में एक बार कथा आपके जरूर करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बार बार इस बात के लिए निवेदन हुआ कि पिछली बार यहाँ पर हुआ आए थे तब भी निवेदन किया सुकीर्थ में गंगा जल अवश्य आना चाहिए। आया कि नहीं आया? आ गया है और धन्यवाद करने के बाद तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री ने निवेदन किया, उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की और भगीरथ के रूप में गंगा जल लेकर के स्वयं हम के बीच पहुंचे। आप सबको बधाई। साथ में माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उनके बिना भी ये काम संभव नहीं था क्योंकि विभाग के मुखिया स्वतंत्र देव जी हैं, हमारे पूरे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। आपका भी धरती पर बहुत बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर संजीव आनंद जी, हमारे मंचा सिंह स्वामी गुमानंद जी, आदरणीय स्वामी नंदी स्वामी जी, सभी हमारे संतगण, सभी हमारे सम्मानपुर विधायक, मंच पर आसी जिलाध्यक्ष येसुदा जी और आप सब, बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ी संवेदना, बहुत बड़ा काम सुकीर्त के लिए। महाराज जी, मैं आपको बताऊं कि लाखों लोग माघ मेले में, दशहरा मेले में यहाँ पर आते हैं और अभी मैं अपने चर्चा कर रहा था रास्ते में कि देश भर के सभी संत अपने भक्तों को लेकर के यहाँ पर भागवत कथा करते हैं। जब वो इस सोनाली नदी के अंदर जल का आचमन भी करते, यहाँ पर गंगा मार करके स्नान भी करते, आदरणीय संतों को भी बहुत कष्ट होता, उनकी बात हम तक पहुंचती, हमको भी बहुत कष्ट होता। आज ये पवित्र काम हम सबके सामने पूरा हुआ है। मैं हृदय की गहराइयों से बहुत गंभीर बात नहीं करूंगा, आपका बहुत अभिनंदन करता हूं इस जनपद के लिए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी कृपा आपने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस प्रकार के सभी हमारे धार्मिक स्थलों को उनका संस्कृति संस्कार उनका संवर्धन करने का काम करें और आदरणीय मुख्यमंत्री ने तो बिल्कुल चमत्कार कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी तीर्थ स्थल अब ऐसा नहीं है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं जाकर के उसका अवलोकन नहीं करते और जो आवश्यकता होती है पूरा खजाना मुख्यमंत्री ने खोल रखा है। सारे तीर्थों का जीर्णोद्धार, सारे तीर्थों का पुनर्निर्माण ये लगातार निरंतर हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सुकीर्त विकास परिषद अगर उसकी भी आप कृपा कर दें तो सुकीर्त का कल्याण हो जाएगा, ये भी हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग है। महाराज जी, एक निवेदन और है छोटा सा आपसे कि आप बहुत सारे किसान बैठे, कई बार मैंने आपसे विधानसभा में चर्चा की, व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की, यहाँ पे हमारा 50 किलोमीटर शुगर मिल है मोहना शुगर मिल, 1984 में स्थापना हुई थी, नरेंद्र तिवारी उससे मुख्यमंत्री थे, तब से लेकर लगातार उसके विस्तार की मांग चल रही है, उसकी भी कृपा आपकी बहुत जरूरी है। एक बार अगर आप सब इसके इच्छुक हो तो एक बार हाथ उठाकर उसका समर्थन करें कि सुकीर्त के अंदर जो बिल्कुल लगा हुआ हमारा मोहना शुगर मिल है उसका विस्तार करना यह बहुत जरूरी है। मैं पुनः आप सबका, सभी संतों का,
आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, संतों के चरणों पर प्रणाम करता हूँ, आपने स्वतंत्र देव जी का स्वागत करता हूँ और आप सबका बहुत अभिनंदन है कि आप सब यहाँ पर आए और गंगा माँ की आग बन के आप सब साक्षी बन रहे हैं। सभी का हृदय की गहराइयों से प्रणाम है और मेरा भी बहुत सौभाग्य है कि मेरा भी गिलहरी जैसा योगदान इस गंगा के आगमन में है। सभी को बहुत प्रणाम, सत सत वंदन, सत सत प्रणाम। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय राजमंत्री सदन प्रभार श्री कपिल देव राज्य प्रबोधन से आप सभी का अनुरोध कर रहे थे। उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए साझा मंत्रित करते हुए माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पशुपालन मत्स्य पालन और डेयरी डॉक्टर संजीव कुमार कल्याण जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जल संसाधन मंत्री और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी, बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल अग्रवाल जी, विजय शुक्ला जी, सभी सम्मानित संतों के चरणों में प्रणाम। सम्मानित मंच उपस्थित, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों और साथियों, सबसे पहले पूरे जनपद की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा की धारा को शुक्र तीर्थ लाने के लिए आपका आभार। मांग बहुत पुरानी थी लेकिन यश आपके हिस्से था। जिस तरह से भगीरथ गंगा जी को लेकर आए, आप शुक्र तीर्थ में गंगा को लेकर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका कार्यक्रम 3 दिन पहले मिला, हम सब बहुत डरे हुए थे, मौसम बहुत खराब था। पहली बार मुजफ्फरनगर में बाढ़ का भीषण कहर देखने को मिल रहा है। हिंगन नदी हो, काली हो, सोलानी हो, गंगा जी हो, 10-10 किलोमीटर के बाढ़ नदियों के हो रहे, बहुत ज्यादातर फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी। मुख्यमंत्री जी, हमारे मुजफ्फरनगर में एक फसल होती है एक साल में, वो है गन्ना, और जनपदों में 2 से 3 फसल होती है। अगर एक फसल बर्बाद हो जाए तो किसान दूसरी या तीसरी फसल से काम चला लेता है। मैं आपका धन्यवाद अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों के नुकसान का आकलन करके आपको भेजा जाए, और मुझे ही नहीं इस जनपद के किसानों को आपसे पूरी उम्मीद है कि मुआवजे के रूप में कुछ न कुछ आप इस किसान को, जिसकी पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई है, आपकी तरफ से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ न कुछ मदद किसानों की जरूर निश्चित रूप से होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, कपिल देव जी ने जो मुद्दा उठाया है वो इस क्षेत्र की दुखती वीनस है। इस क्षेत्र में करीब 14,000 हेक्टेयर गन्ने का रकबा है मोरना शुगर मिल के पास। ये मोरना शुगर मिल जून तक चलती है, मई और जून में गन्ने के सूखने की शुरुआत हो जाती है, और जून तक, नवंबर के शुरू होकर जून के अंत तक शुगर मिल चलती है, और किसान को भारी समस्या है। आप एक बार घोषणा भी कर चुके हैं, पीपीपी मोड पे हो या सरकार के द्वारा, आपसे पूरा क्षेत्र, पूरे जनपद का किसान आपसे उम्मीद लगाए हुआ है, क्योंकि इसे पता है अगर मुझे फंड के लेके कोई कुछ कर सकता है तो योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है, बहुत उम्मीद के साथ, आशाओं के साथ आज आए, और जितना जनसमूह यहाँ है इतना ही बाहर है। मैं यहाँ के स्थानीय नेता, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ कि 2 दिन में इतनी भारी संख्या में ये योगी जी का जलवा है कि इतने खराब मौसम में इतनी भारी भीड़ है, किसी दूसरे नेता के लिए ऐसी भीड़ कभी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री जी, एक छोटा सा निवेदन हो रहा, कहोगे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा फर्ज है एक डाके के रूप में मुजफ्फरनगर की जनता का निवेदन आप तक पहुंचाने के लिए। हमारे जनपद में करीब 750 कोल्लू चलते हैं, और ज्यादातर कोल्लू कश्यप समाज के लोग चलाते हैं। एक कोल्लू में कम से कम 30-40 लोगों को रोजगार मिलता है, और ये कह सकते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था लघु उद्योग है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो कोल्लू है सीजनल कनेक्शन इसको मिलता है, जिसका बिजली का बिल जो है वो 9 रुपए यूनिट के हिसाब से है। आपने चुनाव के लिए बिजली फ्री की, इसका सबसे बड़ा लाभ पश्चिम उत्तर प्रदेश
और मुजफ्फरनगर के किसानों को हुआ गया भी नहीं भाई, ट्यूबवेल की बिजली फ्री करिए, अभिनंदन तो कर दो मुख्यमंत्री का, सबने तो बात बात की मुख्यमंत्री ने ट्यूबवेल की बिजली फ्री करी, 9 रुपए यूनिट उसका रेट है, कश्यप समाज की एक मांग है, आपको आपसे आए सबका हमारा अनुरोध है कि इसकी यूनिट कुछ कम हो जाए, बस यही अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलिया जी अपने उद्बोधन से हम सभी बातचीत कर रहे थे, उद्बोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी बातचीत करें, हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री जल शक्ति नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति सिंचाई माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। राज्य के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, राज्य के इस जनपद के सांसद मंत्री आदरणीय लोकप्रिय सांसद आदरणीय संजीव जी, लोकप्रिय विधायक मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, पूज्य संतगण, सम्मानित सभी विधायक पूर्व विधायक सभी अधिकारीगण संगठन यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, 17 के पहले जो बेटा 10 साल का था आज उसकी आयु 17-18 साल हो गई है, उसको यह मालूम नहीं होगा कि कश्यप की बेटी को कैसे उठाकर, सैनिक के बेटी को कैसे उठाकर, त्यागी के बेटी को कैसे उठाकर रेप करके हत्या कर दी जाती थी और थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होता। लेकिन आज मैं कह सकता हूं मित्रों, आज मैं कह सकता हूं इस स्थल से मुजफ्फरनगर 12 बजे रात को जेवर पहनकर बेटी निकल सकती है, यदि किसी ने छेड़ दिया तो बच नहीं सकता योगी सरकार, मित्रों योगी सरकार। यही नहीं मित्रों, संजीव जी कपिलदेव जी मांग कर रहे थे इस उत्तर प्रदेश के धरती पर जो भी काम होगा मित्रों तपस्या की होती है, और मित्रों एक दिन 7 साल में 1 मिनट की छुट्टी नहीं है और 1 मिनट बीमारी नहीं है, यह आशीर्वाद किसी का है, आप सब जनता जनार्दन का है मित्रों, ऐसा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा मित्रों। जिस परिवार के अंदर गुंडा प्रवेश होते हैं और जिस परिवार में AK-47 और गुंडे लेकर प्रवेश होते हैं और उस परिवार के अंदर गुंडे का सम्मान होता है मित्रों, तो घर की बेटियां नहीं बच सकती हैं। आप 17 के पहले देखे हैं आजम खान का जलवा, मुख्तार का जलवा, अपीक का जलवा मित्रों, क्या मजा, जिधर काफिला निकल जाता था कोई रुक जाए, लेकिन आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी गुंडे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में खूना कोई घूम नहीं सकता है मित्रों, यदि घूमेगा तो जमीन में गाड़ दिया जाएगा, आसमान में चला जाएगा मित्रों। मित्रों एक बेटी का सम्मान क्या होता है, एक मां का सम्मान क्या होता है, बेटी जब जन्म लेती है उससे पहले उसकी मां को पोषण आहार दिया जाता है, बेटी जन्म लेती है तो अन्न प्राशन करवाते हैं माननीय योगी जी, बड़ी होने पर छोड़ते स्कूल भेजते हैं और फ्री में पुस्तक बस्ता छोला जूता मोजा, यही नहीं उसमें कमीशन कोई खाने न पावे, इसलिए इसके गार्जियन के खाते में सीधे पैसा पहुंचा जाए और बड़ी हो जाती है तो उसका कन्यादान भी आदरणीय योगी जी करते हैं और जिले का अधिकारी और मंत्री करता है। 17 के पहले आपको पता नहीं था जो 17 साल के बच्चे थे कि लोग टीका लगाने में डरते थे, कावड़ यात्रा निकालने में डरते थे, डीजे बनाने पर प्रतिबंध लगता था, राज्य का पहला मुख्यमंत्री है मित्रों कि सड़क पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में उतरकर
उस कावड़ यात्रियों को प्रभु शिव मानकर उसको की वर्षा कोई करता है तो आदमी योगी जी करते हैं मित्रों, आदमी योगी जी करते हैं मित्रों। यही नहीं, चाहे शुक्र प्रताप किला तो सभी मंदिरों का आज मान सम्मान उत्तर प्रदेश का किसी ने बढ़ाया मित्रों, और महाराष्ट्र में कोई जाता है होटल माने तो होटल तुरंत देता है, 17 के पहले नहीं देता था, होटल तुरंत देता है और कहता है कि माननीय योगी जी से मिलवा दोगे। ये सम्मान देश में ही नहीं पूरे दुनिया में किसी ने बढ़ाने का काम किया तो माननीय योगी जी ने किया मित्रों। मैं झूठ बोलूंगा तो टोक देना मित्रों, मैं आपका इसलिए जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद के सहारे आदमी योगी जी नहीं चलते। इसके पहले सरकारें चलती थी जो मुख्यमंत्री और मंत्री सूची देते थे, कश्यप और सैनिक के बेटे बेटियां सिपाही बन रही है और 2 रुपया का रिश्वत नहीं है मित्रों। यह योगी जी का शासन, यह है आदमी योगी जी का शासन मित्रों। आप सबका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे योगी जी को, बस चलेगा तो अपने अपने हाथ से चम्मच से आपका भोजन करवाएंगे मित्रों, मैं गारंटी से देता हूं आपको। माननीय मोदी जी योगी जी को जानते हैं, उनका जीवन आपके लिए है, केवल आपकी खुशहाली के लिए है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे आदमी योगी जी को। यह ताकत और शक्ति आपसे मिलती है और आप जब तक आदमी योगी जी के लिए लड़ेंगे नहीं गांव में मित्रों, ऐसा मुख्यमंत्री बार बार नहीं आता है मित्रों। लड़ेंगे नहीं, जूझेंगे नहीं, आप ही योगी जी हैं, ये बनकर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय योगी जी का सम्मान करेंगे तालियों के गड़गड़ाहट से मित्रों। ये लगना चाहिए कि धरती पर कोई भारत माँ का लाल है, इस मातृभूमि का लाल है कोई मित्रों, ये लगना चाहिए और ये आप सबके लिए है। इसलिए मैं हृदय से स्वागत करता हूं मित्रों, आप सबके तरफ से माननीय योगी जी का स्वागत करते हैं और पूर्ण विश्वास करना मित्रों, पूर्ण विश्वास करना आप सबका, किसी के चक्कर में मत पड़ जाना। इसलिए 5 काम तुम कर लेना, माननीय योगी जी को सब काम छोड़ देना, मैं गारंटी से कहता हूं, पक्का मकान से सब कुछ करेंगे लेकिन 5 काम तुम्हें करना है। करोगे 5 काम? पहला काम, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से गुटखा मत मंगवाना, पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाना। नंबर 2, शाम को घर पहुंचो तब पिता माता जी का 5 मिनट कम से कम सेवा करो। नंबर 3, शाम को दूध पी लेना, बाकी कुछ मत पीना। नंबर 4, गांव में चबूतरा के लिए और रोड इसके लिए लड़ा मत करो, आपस में मिलकर रहो, बाकी काम मोदी योगी जी पर छोड़ दो, बस चलेगा तो चम्मच से आपको भोजन करवाएंगे मित्रों, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद उद्बोधन हेतु और अब वो पल भोषण स्वागतों का। जी हाँ, आज के समारोह में 67 परियोजना का लोकार्पण होने जा रहा है, कुल लागत 192 करोड़ और हमारी 10 परियोजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसकी लागत 49 करोड़ 33 लाख। अनुरोध करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर्तव्यों से मदन दबाकर ये शुभ कार्य संपन्न करें। आज हमारी कुल परियोजना 77 लाख, कुल लागत 241 करोड़ 64 लाख रुपए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, उसके पहले ये वृहत पुष्पों की माला से अभिनंदन वंदन स्वागत करते हो मेरे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण। एक बार जोरदार तालियां, आतिथ्य सत्कार, अभिनंदन वंदन स्वागत हमारे शुभ तीर्थ पावन धाम पर। और साथ ही साथ अनुरोध करते हुए कि हमारे आज के इस भव्य समारोह में हमारे लोकार्पण शिलान्यास की जो परियोजनाएं हैं वो संख्या में 77 और जिनकी कुल लागत 241 करोड़ और 64 लाख रुपए, जिसमें 10 परियोजनाएं शिलान्यास की और साथ ही साथ 67 लोकार्पण के। अनुरोध करते हुए, नमन करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से बटन दबाकर
हमारी इन विभिन्न परियोजनाओं के स्वागत को हमारे निवासियों को, जनपद निवासियों को समर्पित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और ये देखिए शिलापटों से अनावरण धीरे धीरे हटता हुआ, और ये विभिन्न परियोजनाएं जो कि हमारे जनपद मुजफ्फरनगर सुखदेव धाम के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, उसके विकास के लिए, उसके उन्नति के लिए। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और आभार गौरवशाली विरासत की धरती उत्तर प्रदेश, पवित्र तीर्थ स्थानों और लोकार्पण शिलान्यास के पश्चात आइए आज का ये पावन धाम, जिसके लिए हम सभी जानते हैं कि पौराणिक स्थल सुखदेव में सदियों से मान्यता रही है कि माँ गंगा का प्रभाव इस स्थल पर होता रहा है, लेकिन काल क्रम में नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण आज गंगा सुखदेव के लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर बह रही है। माँ गंगा की पावन धारा को इस देव स्थल में आधुनिक भागीरथ बनकर प्रस्तुत करने जा रहे हैं परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आइए सफर देखते हैं सुखदेव धाम से माँ गंगा के उस पावन धाम का। एक बार जोरदार तालियां इस लघु पिंड। गौरवशाली विरासत की धरती उत्तर प्रदेश, पवित्र तीर्थ स्थानों और संस्कृतियों का संगम है। आध्यात्मिक सौंदर्य को समेटे यह पवित्र भूमि सदियों से आस्था का केंद्र है। इन गौरवशाली धरोहरों के कायाकल्प के लिए अभियान चलाकर डबल इंजन की सरकार ने जन आस्था का सम्मान किया है। जब हम कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ आस्था की जगहों से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ, जो हमारे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं से जुड़ा हुआ, जो हमारी विरासत से जुड़ा, उसका भी उतना ही तत्परता से निर्माण किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना हुई है। तीर्थ स्थानों के कायाकल्प से सांस्कृतिक पर्यटन को नए आयाम मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि अपनी संस्कृति और विरासत को भूलकर कोई भी समाज विकास और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। नया भारत जिसमें समग्र विकास की अवधारणा चरितार्थ तो होती हुई दिखाई दे रही है, तो साथ साथ भारत की गौरवशाली आस्था और विरासत को भी एक नई पहचान मिली है। इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित शुक्र तीर्थ को पवित्र पावनी माँ गंगा की जलधारा से जोड़ा गया है। देवभूमि हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से अपर गंगा कैनाल के माध्यम से 98 किलोमीटर दूर शुक्र तीर्थ को माँ गंगा की पवित्र जलधारा से जोड़कर इस देव स्थान को पुरातन स्वरूप मिला है। शुक्र तीर्थ का प्राचीन नाम शुक्रताल है, जहाँ 5000 वर्ष पूर्व शुकदेव गोस्वामी ने अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को श्रीमद् भगवतम की कथा सुनाई थी। शुक्रताल स्थित विशाल अक्षयवट विशिष्ट है। यह वट वृक्ष कभी अपने पत्ते नहीं छोड़ता है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। इस तीर्थ क्षेत्र में हनुमान जी की 70 फुट की और गणेश जी की 35 फुट की ऊंची मूर्तियों सहित अन्य दर्शनीय मंदिर आस्था का केंद्र हैं। शुक्र तीर्थ श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक चेतना एवं भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। संस्कृति को सम्मान दे जो डबल इंजन की सरकार है वो। गौरवशाली विरासत। बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी सोच से जन जन के हृदय में भक्ति का समावेश करने वाले एवं अपने अस्मरणीय कार्यों के माध्यम से भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश के इस गौरव को बढ़ाने वाले परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी परमादरणीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए, सहसम्मान अनुरोध करते हुए, अपने प्रेरणादायक संबोधन जन सभी को अनुमित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जोरदार तालियां। जय जय श्री राम। वासुदेव सुतम दैवम कंस चारुण मर्दनम
देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, पूज्य संतों की, पूज्य संतों की, हर हर महादेव। आज की इस पावन भागवत भूमि को प्रणाम करते हुए पूज्य संतों का सादर अभिवादन करते हुए मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी दंडी स्वामी महादेव आश्रम, स्वामी गोवर्धन दास जी महाराज, स्वामी विष्णु रामानुज जी महाराज, योगी अर्जुन नाथ जी, मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतजन, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री विजय शुक्ला जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, पूर्व विधायक श्री विक्रम सेनी जी उमेश मलिक जी, प्रमोद कुटवाल जी, प्रशांत चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सुख तीर्थ के प्रति, इस भागवत भूमि के प्रति आस्था भाव रखने वाले मुजफ्फरनगर जनपद के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, लगभग 4 वर्ष के बाद एक बार फिर से मुझे भागवत भूमि का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे सामने यहाँ के पूज्य संतों ने जो प्रस्ताव रखा था, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव रखा था, आज जल शक्ति मंत्री भी और विभाग के प्रमुख सचिव भी यहां मेरे साथ में है कि मां गंगा की पवित्र धारा सुख तीर्थ से होकर के बहनी चाहिए, वह सपना भी आपका साकार हो रहा है। मैं आप सबको मां गंगा को प्रणाम करता हूं और आपको इसके लिए बधाई देता हूं। मां गंगा तो देव नदी है, साक्षात भगवान विष्णु के चरणों से निकल करके भगवान शिव ने जिन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और महाराज भागीरथ की तपस्या के कारण इस लोक में आकर के हजारों वर्षों से कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कारक बन रही है। हम सबके
जीवन को सुख और समृद्धिमय करने का कार्य जो पावन देवतुल्य नदी कर रही है, वह मां गंगा की धारा सुख तीर्थ से होकर के बहेगी, यह हम सबके लिए अद्भुत क्षण है। भाइयों बहनों, आज जब एक और सुख तीर्थ से मां गंगा की धारा फिर से आई है, ये क्षेत्र तो भागवत भूमि है, मैं भी आया यहां पर जब सुख तीर्थ के इस पावन आश्रम में, मैंने यहां मंदिर का दर्शन किया, मैं देख रहा था कई भागवत कथाएं यहां पे चल रही हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहां चल रही है। याद करिए, इस धरती पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आज के दिन पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा न हो रही हो, और यहां तक कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी रहता है, वह बड़ी श्रद्धा के साथ यहां के कथा व्यास को बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करता है। यह सौभाग्य इस धरती को है कि महाराज सुखदेव के श्रीमुख से सबसे पहले इस कथा को सुनने का किसी को अवसर प्राप्त हुआ था, तो महाराज परीक्षित ने अपने मोक्ष के लिए इसी धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना था, और तब से एक अमर कथा इस संपूर्ण धरा के कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कार्य करती है, उनके जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने का कार्य कर रही है। ऐसे सुखतीर्थ की भूमि जनपद मुजफ्फरनगर में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जब आया यहाँ पे, मुझे एक वृक्ष भी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ और गौ माता को गुड़ खिलाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा यहाँ पे जो अक्षय वट है, 5000 वर्ष पुराना अक्षय वट है, और मान्यता है वह सदैव सदाबहार रहता है। न जाने कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई, उत्थान और पतन को इस वृक्ष ने देखा है, अक्षय वट ने देखा है, और लगातार अक्षय वट हम सबको आशीर्वाद देकर के विरासत के बारे में सम्मान का भाव हम सबके मन में पैदा करती है, समृद्धि की एक नया उत्साह हम सबके मन में पैदा करती है। याद करिए कितनी समृद्ध विरासत हमारी है, कितनी समृद्ध विरासत है, इतिहास की भूमि है, भारत को भारत बनाने वाली भूमि है। शकुंतला पुत्र भरत कर्णाश्रम में ही जन्म लेकर के फिर हस्तिनापुर की विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। ये वही भूमि है, मुझे इससे पहले अभी विदुर कुटी में जाकर के वृक्षारोपण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहां पर भी लोगों की एक ही मांग है, जैसे सुख तीर्थ में मां गंगा की धारा आ गई है, ऐसे विदुर कुटी को भी मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज हम लोग उसका भी सर्वे करके आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार है, और जो पोटेंशियल यहां पर है, यहां के नौजवानों में, यहां के किसानों में, यहां की बेटियों और यहां की बहनों में, यहां को समृद्ध बनाने के लिए जो योगदान किया जा रहा है वह अद्भुत है, अविस्मरणीय है और अतुल्य है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज 242 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने, केंद्रीय मंत्री जी ने, माननीय यहाँ के हमारे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी ने, विधान परिषद सदस्य, अन्य हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सभी पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव दिए, उन प्रस्तावों को आज यहाँ पर 77 परियोजनाओं के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों,
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विकास और विरासत की एक नई गाथा को बढ़ाता जा रहा है। पूरे भारत के अंदर आपने देखा होगा, एक और काशी में काशी विश्वनाथ धाम सावन के महीने में प्रतिदिन 3 से लेकर 5 लाख श्रद्धालुओं आज दर्शन करने के लिए आ रहा है। 3 से लेकर 5 लाख। एक और काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, दूसरी ओर केदारपुरी में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य, बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य, सोमनाथ मंदिर के सुंदरीकरण का अद्भुत कार्य, महाकाल के महान रोग के पुनरुद्धार का कार्य भी संपन्न हुआ है। और वर्तमान में अयोध्या में भगवान राम का भी भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी चरम पर पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, ये काम 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों में आपकी आस्था को सम्मान देने की फुर्सत नहीं थी। वे आस्था को सम्मान नहीं दे सकते थे, वे विरासत को सम्मान नहीं दे सकते थे। उन्होंने ना विरासत को सम्मान दिया और न ही विकास को आगे बढ़ाया, न विकास की प्रक्रिया के साथ ही जोड़ने का कार्य किया और न विरासत को ही सम्मान दिया। परिणाम क्या था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा पे ग्रहण लगने लग गया था, यहां से पलायन हो रहा था, अराजकता चरम पर थी, किसान परेशान था, नौजवान बेरोजगार था, बेटियां असुरक्षित थी। और अब मैं कह सकता हूं, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर नागरिक कह सकता है कि बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला अब धरती पर नहीं रसातल में जाएगा, उसके लिए धरती पर तो जगह नहीं मिलेगी। अब कोई यहां पलायन नहीं करा सकता है, यहां के किसानों को यहां के व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी डबल इंजन की सरकार दे रही है। पलायन कराने वाले स्वयं पलायन कर गए, अब व्यापारी को यहां के नागरिकों को कोई पलायन नहीं करा सकता। और यही तो डबल इंजन की सरकार है, जो विकास भी कर रही है, विरासत का सम्मान भी कर रही है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से तेजी के साथ बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर तबके को उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रही है, हर तबके के। और इसीलिए हमारी सरकार ने विरासत के सम्मान को ही आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है कि सुख तीर्थ विकास परिषद का गठन भी हम लोग करेंगे। फाइनल स्टेज पे बहुत जल्दी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं यहाँ के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करूंगा, भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा। एक तरफ सुख तीर्थ विकास परिषद बनेगा, यहाँ के विकास को आधार बनाएगा, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, नौजवानों को रोजगार की संभावनाओं को विकसित करेगा, हमारे पूज्य संतों की आस्था को सम्मान देगा, तो दूसरी ओर विकास के नए नए द्वार भी खोलेगा, नए नए द्वार उसके माध्यम से खुलते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, विकास के कार्यक्रम एक ओर आगे बढ़ेंगे, दूसरी तरफ इस क्षेत्र में अन्नदाता किसानों का मैं अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मुजफ्फरनगर के गुड़ की मिठास को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारे अन्नदाता किसानों की देन है। ये किसान जो पहले 17 के पहले पीड़ित रहता था, सुरक्षित नहीं था, क्योंकि बिजली आती नहीं थी तो खेत में जो इंजन लगाया था पानी के लिए वह चोरी हो जाता था, रात्रि को खेत में रुकता था तो जान को खतरा था। और अब तो सरकार वहां पहुंच चुकी है, जब जितने भी सरकारी ट्यूबवेल है वहां से मिलने वाला किसानों का जो भी
पानी होगा वह फ्री में होने की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। बहुत शीघ्र उसको एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को समर्पित करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा विरासत का सम्मान क्या होता है। कावड़ यात्रा में जाने वाले हमारे कावड़ यात्री, अब कोई परेशान नहीं कर सकता है, अब कोई परेशान नहीं कर सकता है। क्या इससे पहले कावड़ यात्री इस भाव के साथ चल पाते थे क्या? और क्या कोई सरकार पुष्प वर्षा करती थी क्या? क्योंकि उनको आपकी आस्था का नहीं, अपना वोट बैंक खिसकने का खतरा उनको लगता था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आप जातिवाद से ऊपर उठ करके, परिवारवाद से ऊपर उठ करके, जो लोग पहले डरते थे कि कावड़ यात्रा को निकालने देंगे और पुष्प वर्षा करेंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा, आपने उनको सत्ता से ही खिसका दिया है और वहां पहुंचा दिया जहां वो द्वारा आने की मोहब्बत ही नहीं रहेगी, उनको वहां पहुंचा दिया। भाइयों बहनों, हमें अपने भारत पर गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। हमारा भारत महान है, हमारी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आज विकास की आवश्यकता है। हर घर में समृद्धि आए इसके लिए आवश्यक है उसके घर में खुशहाली लाने के लिए समृद्धि के मार्ग खोलने पड़ेंगे और इसके लिए विकास के कार्य हर स्तर पर होंगे। इसके लिए कोई कोताही नहीं बरतेंगे, विकास के लिए कोई पैसा अड़े नहीं आने पाएगा, पैसे की कोई कमी आज के दिन पर नहीं है। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा भी देगी, समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। और सुरक्षा और समृद्धि के इस मार्ग को लेकर के आज 242 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए भी यह मंच आपके पास आया है। इसमें स्वास्थ्य की भी है, शिक्षा के लिए भी है, जल संसाधन की भी है, पर्यटन की भी योजनाएं हैं, विकास के सर्वांगीण विकास के आधारशिला जिन कार्यक्रमों के माध्यम से रखी जा सकती है वे सभी इसके साथ समाहित की गई है। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए आपके बीच आया हूं। आज जब मैं यहां पर आया हूं, मैं यहां पे जैसे आया मैंने अक्षय वट देखा, मन अभिभूत हो गया। एक आध्यात्मिक शांति, कितना सुकून मिलता है उस पेड़ के नीचे बैठने, अक्षय वट के नीचे जाने पे कितना आध्यात्मिक सुकून मिलता है। और आज यहां पे भगवान सुखदेव की ही प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, भाइयों बहनों 30 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। अभी मैं आधे घंटे पहले जानकारी ले रहा था कि कितने वृक्ष लगे हैं। भाइयों बहनों, प्रातः काल से अब तक 17 करोड़ से भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और ये निरंतर चल रहा है। सायकाल 5 बजते यह 20 करोड़ की सीमा रेखा को पार कर जाएगा। मैं आपसे भी आह्वान करूंगा, 100 वर्ष पुराना कोई भी वृक्ष हो, बरगद होगा, पीपल होगा, पाकड़ होगा, आम, जामुन, कोई अन्य छायादार वृक्ष होगा, उसको काटिए मत, काटने मत कीजिए, उसको विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता देकर के चबूतरा बनाइए, अच्छे ढंग से लोग वहां बैठे, गोष्ठी करें और विरासत वृक्ष के रूप में उसे सम्मान दीजिए। ये पेड़, ये वृक्ष केवल वृक्ष नहीं है भाइयों बहनों, ये विरासत भी है, ये ऑक्सीजन भी देता है और जल संरक्षण का काम भी करता है, ये दोनों कार्य करता है। दुनिया तबाह है ग्लोबल वार्मिंग से, आप देख रहे होंगे कहीं पर सूखा है, कहीं बाढ़ आई हुई है, यही तो है प्रकृति का संतुलन। जब संतुलन बिगड़ेगा यही स्थिति पैदा होगी। हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाए, विरासत वृक्षों का संरक्षण करें और जितने भी लोग हैं, जितनी बड़ी सभा यहां पर है, इतनी ही मैं वहां पे बिजनौर में भी संबोधित करके आया और मैंने वहां पे भी देखा हर व्यक्ति संकल्प लेके गया था आज एक पेड़ जरूर लगाएंगे, एक वृक्ष जरूर लगाएंगे और लगाना ही नहीं उसकी सुरक्षा भी करेंगे।
पीएम आवास योजना के साथ साथ आंगनबाड़ी जितने भी कार्यकर्ती हैं उनके द्वारा सहजन के पेड़ लगाए जा रहे हैं, हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा इमारती लकड़ियों के पेड़ लगाए जा रहे हैं, हर छात्र और युवाओं के द्वारा फल देने वाला पेड़ लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो मान्यता है कि माँ का दूध किसी को तभी फलीभूत होता है जब वो एक फलदार पेड़ लगाता है। याद रखना, फलदार वृक्ष लगाना किसी भी व्यक्ति के लिए माँ के ऋण से उऋण होने जैसा होता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए हमें इन वृक्षों को लगाना, महिलाएं औषधीय वृक्षों को लगाए, फलदार वृक्षों को लगाए। सरकार भी दे रही है, अपने स्तर पर भी प्रयास करिए। आप देखना, जब प्रकृति की सुंदरता रहेगी, प्रकृति हरी भरी रहेगी, जल संसाधनों की कमी नहीं होगी और स्वतः ही खुशहाली आएगी। समृद्धि से खुशहाली की ओर का मार्ग प्रशस्त करता है ये वृक्षारोपण का अभियान, और आज हम सब उसी के साथ जुड़े हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार बोलती नहीं है, करके दिखाती है, करके दिखाती है। मैं धन्यवाद देता हूं मुजफ्फरनगर वासियों को कि उन्होंने ट्रिपल इंजन के रूप में पालिका में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को चुनाव जिता करके भेजा। मैं उन सबका आभारी हूं जो लोग लगातार डबल इंजन सरकार को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आशीर्वाद केवल सरकार के लिए नहीं, सुरक्षा और समृद्धि को पुष्ट करने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, उन भ्रष्टाचारियों के लिए एक संदेश है, उन माफिया और अपराधियों के लिए एक संदेश है जो गरीबों के हक में डकैती डालते थे, व्यापारियों की जबरन वसूली करने का कार्य करते थे और बहन बेटियों की सुरक्षा में सेल लगाने का कार्य करते थे, उन लोगों के लिए डबल इंजन की सरकार एक महाकाल है, महाकाल, और उनको चेतावनी देने का एक संकेत भी है कि हम लोग सबकी सुरक्षा और समृद्धि की बात करते हैं। योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, और योजनाओं का लाभ जब सबको मिल रहा है तो फिर जब सरकार के स्तर पर भेदभाव नहीं तो फिर सरकार भी उम्मीद करती है कि सबका आशीर्वाद डबल इंजन सरकार को मिले और हम समृद्धि का मार्ग हर घर तक, हर द्वार तक पहुंचाने का कार्य कर सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, वृक्षारोपण महाअभियान के साथ आप में से अगर कोई जुड़ नहीं पाया है तो जरूर एक वृक्ष जरूर लगाइएगा। मुझे आज बरगद का पेड़ लगाने का भी अवसर प्राप्त हुआ है और पीपल का वृक्ष भी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये लगातार चल रहा है, हर सरकार का मंत्री अलग अलग जनपदों में जाकर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से माँ गंगा की पवित्र धारा सुख तीर्थ को स्पर्श करते हुए आज आगे बढ़ी है। मैं इस अवसर पर मुजफ्फरनगर वासियों का, सुख तीर्थ में निवास करने वाले सभी श्रद्धालुओं का, पूज्य संतों का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके, उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी स्थल के रूप में आगे बढ़ा करके, भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति एक बार फिर से हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस पवित्र भागवत भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रेरणा दे